अबे भाई मेरा लैग क्यों कर रहा है? वो तीन नंबर देख ले रहा यार, तेरे को अभी पता चल जाएगा। तुम उसमें डाल दो ना टीममेट रिएक्शन में, वन प्लेयर और वॉच। स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो डब्बे वाला सीन देखा है भैया, उतने सारे डब्बे इसी गेम प्ले का था। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आ चुका हूं एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो बवाल होने वाली है, क्योंकि भैया इंट्रो अगर बवाल लगा होगा तो पूरा फुल वीडियो देख के जाना। फिलहाल वहां उतरता हूँ, ये वाली जगह पे एक बंदे के फुटस्टेप आती है, मैं इसको निपटा देता हूँ। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यार, कि मैं थोड़ा लेट लैंडिंग कर गया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम वाम आ गया था। मुझे लगा था मैंने फॉलो कर दिया है टीममेट को, बट टीममेट पहले कूद जाते हैं और फिर यहाँ पे मैं कूदता हूँ। फिलहाल देर सवेर करके मैंने एक बंदे को यहाँ पे निपटा दिया था। इतने में मैं सामने की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि टीममेट्स उधर के साइड में थे और ऑब्वियसली बगल में सिटी है, तो वहाँ पे बंदे वगैरह भी उतरे होंगे, तो उनको गया मैं मारने के लिए। इतने में मेरे एकदम लेफ्ट साइड से गलत डैमेज होता है मेरे को, तो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सच बताऊं तो मुझे उम्मीद था एक आग बंदा मेरे को दिखेगा, बट भाई सच बताऊं जब स्कोप खोल कर देखता हूँ कोई नहीं दिखता। इतने में मैं चल जाता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि देखो यार सामने से मेरे को एक बॉट की आवाज आ रही थी, सोचा चलो उसको जाकर मार देते हैं, M4 मिल जाएगा। इतने में देखो ये भाई साहब यहाँ मिलते हैं, जो कि किसी के ऊपर एम लगा रहे होते हैं, और सच बताऊं तो मैं इसको बॉट समझा होता हूँ। फिलहाल इसको यहाँ पे मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। उसके टीममेट की फुटस्टेप एकदम बगल से आ रही है, तो देखते हैं इसके टीममेट को। उससे पहले M4 उठा लेते हैं। अब ये बात मुझे अच्छे से मालूम है, आप लोग मेरे को बोलोगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो भैया देखो सीन ऐसा है ना, कि कुछ दिनों से मतलब मुझे या फिर आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं, गेम खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कैंपर्स। वो लोग यार इतना हद तक कैंप कर रहे हैं कि तुमको आज की वीडियो में देखने मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आज तुम देखना वीडियो में। फिलहाल मैं वो वाली जगह से निकल के ये वाली जगह आता हूँ। यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स है भैया, सबके अंदर एक आग स्क्वाड कैंप करके बैठी, वो भी बहुत खतरनाक वाली। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था, मैं ये वाली बिल्डिंग पे रश कर देता हूँ और बंदे गिनना तुम। I'm recalling a teammate. आओ देख ड्रैगर्स ना, एक बंदे ठोक रखे, बंदे फोर रखे पूरे। भाई ये नॉक वाला बंदा पता नहीं कहाँ को गायब हो गया, लेकिन इतने में बगल वाली बिल्डिंग पे जो बंदे थे, मैं उधर थोड़ा हल्ला वल्ला बोल देता हूँ और नॉक करके मैं सीधा मॉल ही कर देता हूँ कि फिनिश भी हो जाए। और एक बंदा उसको गया है रिवाइव करने के लिए, वैसे शायद नॉक मिल जाए, लेकिन उतने में यार उधर से भी मॉल ही आ जाती है। और पूरे ट्रैकर्स भाई की हेल्थ गई और ये ट्रैकर्स भाई चल गए। भाई तुमको तो यार IPL के सीजन में वहाँ जाना चाहिए स्टेडियम वगैरह में कमेंट्री करने के लिए, क्या है तुम यहाँ पे माथा पटक रहे हो अपना। फिलहाल यार देखो टीममेट दूर होता है, आ जाता है यहाँ पे डास्टर लेकर, मुझे रिवाइव मिल जाता है। इतने में जिन बंदों ने नॉक किया था मैं रश कर देता हूँ सीधा उनके ऊपर, जा तुम देखो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, पेटिया देखना बस। फिलहाल देखो ऊपर से चार बंदों की फुटस्टेप तो कंफर्म आ रही है,
टीममेट को मैं बुला लिया पास में, थोड़ा बहुत बूस्ट कर लेता हूँ कि देखो यार बंदे को ऊपर रश करना है और ऊपर चार बंदे हैं, अगर गलती से बुलेट उलेट लग गई ना तो थोड़ा ये बूस्टर्स वगैरह हेल्प कर देंगे, बचा लेंगे हम लोग को। और जैसे बूस्ट कंप्लीट होता है, जय श्री राम। अब देखो ये दो बंदे थे यहाँ पे, इन लोग को निपटा दिया, लेकिन मैंने बोला था चार बंदे, दो और बंदे बचे हुए जो कि पीछे भाग चुके हैं, और कितने हरामी टीममेट है यार, मतलब मैं इनको निपटा रहा हूँ, वो लोग सारे पीछे जाके लूट वगैरह कर रहे हैं, पूरी फुटस्टेप आ रही है मुझे। और देखो तुम यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, अब सामने मुझे पेटी दिख जाती है लेकिन सच बताऊँ तो बंदा नहीं दिखता, और जब तक दिखता मुझे यहाँ पे मैं नॉक हो चुका होता हूँ, और किस्मत मनाओ भैया चार नंबर बगल में होता है जो कि रिवाइव देने के लिए आ जाता है, लेकिन अरे बोल तो यहाँ पे हेल्थ लगाई दा होता हूँ, इतने में अचानक से एक एक्यूरेट नेड आता है, मैं खत्म हो जाता हूँ। और यार क्या ही बताऊँ, और जो टीममेट्स वगैरह थे पता नहीं कहीं को जाके मर रहे हैं क्या पता, लेकिन मैं दोबारा रिकॉल होकर इसी वाली बिल्डिंग पे आता हूँ, और जय श्री राम। मोंटी किल दे किसके, मोंटी किल दे, कितने जल्दी कितने हो गए, मोंटी एक कर कराया भाई, देख मोंटी किल मेरे पास नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे मैंने बदला कंप्लीट कर लिया था, इन चारों को निपटा दिया, और इनके स्क्वाड के एक मेंबर ने बस मुझे मारा था, और उतर के मैं सबको कर देता हूँ खत्म। फिलहाल जल्दी से यहाँ पे लूट करता हूँ, इतने में तुम देखो यार सीन, यार कितनी सारी पेटियां वगैरह पड़ी हुई है, मैं कसम से बता रहा इतनी पेटियां देख के मेरे को उस मोमेंट में बस यही दिमाग में आता कि भाई काश कोई एक अच्छा सा एंगल मिल जाए जो कि मैं थंबनेल में लगा दूं, आप लोग अट्रैक्ट होके आओ देखो वीडियो को और लाइक शेयर करो, मेरे को पता है अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाओ जाके लाइक कर दो। फिलहाल यार यहाँ पे एक बॉल्ट आता है, मैं बॉल्ट को निपटा देता हूँ, और देखो बगल वाली बिल्डिंग से फुटस्टेप आ रही थी तो थोड़ा देखते हैं उधर के साइड भी, और यहाँ पे अभी भी बंदे बचे हुए हैं क्योंकि आवाजें आए जा रही, इतने में एक बंदे के भागते की आवाज आती है और ये बंदा भागते रह जाता है, इसको निपटा देता हूँ। फिलहाल देखो सामने स्मोक हुआ पड़ा हुआ है, प्रोबेबली चांस ये है कि सामने वाले जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसमें बंदे वगैरह कैंप कर रहे हैं, तो थोड़ा जाते हैं उनके पास में, और तुम जब देखो क्या सीन हुआ है, सामने चार बंदे हैं भाई इस कमरे के अंदर, अब जो यहाँ पे मैंने नेट फेंका था एक बंदे को वो फोड़ देता है, और जितने टीममेट्स हैं ना बस तुम देखो क्या पागलों को मेरे पे दौड़ेंगे, ठीक है यहाँ पे मैं मर गया हूँ, लेकिन ये क्लिप को थोड़ा स्लो मोशन में तुम लोग देखो, मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरे को एक ही बंदा दिखा जो कि लेटा हुआ है, मैं उसके ऊपर फायर कर रहा हूँ, और अचानक से मेरे पीछे से ये बंदा कहाँ से भैया प्रकट हुआ, मेरे को ये जानना है, सीरियसली बता रहा ये बंदा किधर से प्रकट हुआ है,
नो आइडिया, नीचे कमेंट में बताओ मेरे को। और हाँ गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।